कवियों ने अपनी अपनी भाषा के अनुसार लोगों को समझाने की कोशिश की। दादा लक्ष्मीचंद भजन को सतयुग से उठाते थे, गौर करना, और सतयुग के प्रमाण को इस कलयुग में लाकर छोटा कर दे, गौर करो कुछ। यहां पर कवि ने दर्शाया है, देख सजावट अंदर की मन भटक रहे बंगले के मां, तरह तरह के फोटो नक्शे लटक रहे बंगले के वहां। अब यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, सारा सौदा सजा हुआ लगे, इंसान भ्रमित हो जा, एक दिन पास लाइट ना हो, यहाँ अंधेरा अंधेरा। इसलिए जीव को समझाए, जिस कवि की रागनी है वो कलयुग से उठाते हैं, यहां से प्रमाण देना शुरू करते हैं। धर्म पर हो कर्म पर हो, पहला फोटो किस चीज का मिलता है, क्या कहा। Oh, no.
हमारे साथी कलाकार भाई जितेंद्र उत्तर प्रदेश की शान है, 100 रुपये से हमारा मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहला फोटो दरवाजे पर हाथी चार खड़े देखे, दूजा फोटो जका महूका छतरी बाहर खड़े देखे, तीजा फोटो महाराणा का रण में त्यार खड़े देखे, चौथा फोटो कौरों का जो करके हार खड़े देखे, पांचवें फोटो में पांचों पांडव जो अटक रहे बंगले के वहां उस लक्ष्य ग्रह का सीन दिखा है। अब बात द्वापर युग में पहुंच चुकी है। द्वापर युग में किसकी भक्ति करती थी गोपनिया, किसका वर्चस्व था, किसका युग बताते हैं, क्या दर्शाया कवि ने। सब दर्शन की आस करे, सातवां फोटू गोकुल मथुरा जहां कृष्ण जी वास करे, आठवां फोटू में के कई जो रामचंद्र को वनवास करे, नौवें फोटू में दोनों भाई सीता ने तलाश करे, दसवें फोटू में राजा दशरथ सरपटक रहे बंगले के मां पुत्र वियोग में अपनी जान दे देते, उसके बाद जकरा किया यहां त्रेता युग में बात चली गई। अरे मारे वर्गे 10-15 तोड़े ब्याह में चढ़ा आगे सोने और चोड़े हो जाएंगे बहुत ठंडा ब्याह करा थारे दबत्ती कोई नहीं चैन घेर लेंगे। अरे उसने देखो जिसकी लंका सोने की थाम सोने के वो धरती पर नहीं रहा, जब उल्टा टाइम आया एक वानर के पैर को भी नहीं हिला पाया रावण, और कवे नू बे माता पिछड़ा पिछे काल कुए में लटके पवन बुहारी दे सारे देवी देवता के सारे उपनिषद शास्त्र सब कमे दिमाग में उसके, जब उल्टा टाइम आया उसका भी नहीं रहा। तीसरी कली में किस चीज का जिक्र है, yeah! Yeah!
ग्यारहवां फटू फटू बगीची का जहाजान की पड़ी होई जहाजान की पड़ी होई अरे तेरे वहां फटू उस गुट्ठी का जो राम नाम में चली होई तेरे चौदहवें फटू में हनुमान ने देख के सीता हुई खड़ी देख के सीता हुई आदरणीय सुखपाल जी सौर पिछ पार्टी का मान सम्मान करते हैं धन्यवाद ये बहुत अच्छे कवि बहुत अच्छे कलाकार कवि धर्मवीर पावड़ा एंड पार्टी की तरफ से उस्ताद लोग सौर पिछे हमारा मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है। ग्यारहवां फोटू लंका का जो सोने में घड़ी हुई बारहवां फोटू उस बगीची का जहां जान की पड़ी हुई तेरहवां फोटू उस गुट्ठी का जो राम नाम में जड़ी हुई चौदहवें फोटू में हनुमान ने देख के सीता हुई खड़ी पंद्रहवां फोटू अंगद का पैर झटक रहे बंगले के वहां तरह तरह के फोटू नक्शे लटक रहे बंगले के आखिरी कली में समझाया है सारी चीजा दबजिया इस त्रिलोक की नाथ निरंकार का खेल है इसकी भक्ति कर या पार जागी क्या कहा आखिरी कली में कैसे मखमली नारे नारे फरस पड़े नारे नारे फरस पड़े अरबी चके पलंग नवारी जिका ईरे पल्ले लाल चढ़े तेरे चोकर देके बूटे कुर्सी आगे सीधो मोर लड़े आगे सीधो अरे उस बंगले में जाट मेरे संग
100 रुपए से मास्टर जी मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद।